हर शुभ कार्य से पहले भगवान गणेश की पूजा की जाती है। शादी विवाह हो या कोई अनुष्ठान हो, सभी देवताओं में भगवान गणेश प्रथम पूजनीय हैं। हर शुभ कार्य से पहले भगवान गणेश को पूजने से सभी कार्य सफल होते हैं। इससे आपको कोई विघ्न नहीं आता और इसीलिए तो उन्हें दुखहर्ता विघ्नहर्ता भी कहा जाता है। भगवान गणेश को सबसे पहले पूजा जाने का प्रसंग काफी प्रचलित है, मगर आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि भगवान गणेश ने दो विवाह क्यों किए। कथाओं में उल्लेख मिलता है कि भगवान गणेश ब्रह्मचारी रहना चाहते थे, परंतु उनका यह संकल्प टूट गया और उनका एक नहीं बल्कि दो विवाह हुए। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में कि गणेश जी के दो विवाह क्यों हुए। परंतु आगे बढ़ने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें और हमारे साथ बोलें गणपति बाप्पा मोरया। तो कथा आरंभ करते हैं। एक बार भगवान गणेश तपस्या में लीन थे, तभी वहां पास से तुलसी जी जा रही थी। गणेश जी को देखकर तुलसी जी उन पर मोहित हो गईं और उन्होंने भगवान गणेश के समक्ष विवाह प्रस्ताव रख दिया, परंतु गणेश जी ने यह कहकर उनके प्रस्ताव को ठुकरा दिया कि वे तो ब्रह्मचारी हैं। इस बात से तुलसी जी रुष्ट हो गईं और उन्होंने गणेश जी को श्राप दे दिया कि उनका एक नहीं बल्कि दो बार विवाह होगा। इसी प्रकार एक अन्य पुराणिक कथा में वर्णन मिलता है कि गणेश जी की बनावट और उनके गज के चेहरे के चलते उनसे कोई भी विवाह नहीं करता और इस कारण भगवान गणेश नाराज हो गए और दूसरे देवताओं की शादी में विघ्न डालने लगे। तब सभी देवता परेशान होकर भगवान ब्रह्मा के पास पहुँचे। तब भगवान ब्रह्मा ने समस्या को सुलझाने और गणेश जी को मनाने के लिए अपनी योग शक्ति से दो कन्याओं रिद्धि और सिद्धि को जन्म दिया। ये दोनों ब्रह्मा जी की मानस पुत्रियां थी। इन दोनों को लेकर ब्रह्मा जी गणेश जी के पास पहुंच गए और दोनों को शिक्षा देने की बात कही। ब्रह्मा जी की आज्ञा पाकर भगवान गणेश दोनों को शिक्षा देने लगे। इस दौरान जब भी मूषक राज किसी देवता के विवाह की सूचना देने भगवान गणेश के पास आता था तो रिद्धि और सिद्धि उनका ध्यान भटकाने के लिए कोई न कोई बात छेड़ देती थी। इससे देवताओं का विवाह बिना किसी समस्या के संपन्न होने लगे। एक दिन भगवान गणेश को ज्ञात हुआ कि रिद्धि और सिद्धि के कारण देवताओं का विवाह बिना किसी रुकावट के संपन्न हो रहा है, जिससे भगवान गणेश क्रोधित हो गए। हालांकि उसी समय भगवान ब्रह्मा वहां पर प्रकट होते हैं और गणेश जी से कहते हैं कि मुझे अपनी दोनों पुत्रियों रिद्धि और सिद्धि के विवाह के लिए कोई योग्य वर नहीं मिल रहा। गणेश जी कृपया आप ही इनसे विवाह कर लें। इस प्रकार भगवान गणेश का विवाह रिद्धि और सिद्धि के साथ संपन्न हुआ। बताया जाता है कि उनसे उनके दो पुत्र हुए जिनका नाम शुभ और लाभ है। आपका इन कथाओं को लेकर क्या सोचना है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और एक बार फिर बोलें गणपति बाप्पा मोरया। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको यह पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अन्य भक्तों के साथ शेयर करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में और भी अद्भुत कथाओं के साथ। तब तक के लिए हरिओम।